अच्छा जी, वेलकम बैक. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ओके, नाउ लुक एट दिस. टू थियोरम्स वर लेफ्ट, फोर वर डन, राइट? एंड दिस वन इज, इट्स नेम इज प्रोडक्ट रूल. व्हाई डू वी कॉल इट प्रोडक्ट? नाम से ही जाहिर है, टू फंक्शंस माइट बी मल्टीप्लाइड. यानी अगर टू फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, जो कि दो फंक्शंस हैं एक्स के, देन हाउ वुड यू फाइंड देयर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स? कैसे आप उनको डिफरेंशिएट करेंगे, वो याद करना है. पहले इसको आपने अच्छे से मेमोराइज कर देना है. फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरीवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरीवेटिव ऑफ फर्स्ट. ठीक है, फिर से, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, अगर आप उनका डेरीवेटिव फाइंड करना है, सॉरी, ओके, लुक एट दिस. डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, जो कि फर्स्ट फंक्शन हम इसको कह रहे हैं खुद से ही, जी ऑफ एक्स सेकेंड फंक्शन कह रहे हैं, बिकॉज ये पहले आ रहा है इसलिए फर्स्ट फंक्शन से बाद में आ रहा है सेकेंड फंक्शन. ओके, नाउ दिस इज फर्स्ट और दिस इज सेकेंड, राइट? क्या होगा? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ लिख लें इंटू डेरीवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन. अब क्या मैं इसको लिख सकती हूँ जी डैश ऑफ एक्स जी प्राइम ऑफ एक्स? उसका मतलब यही है ना, फर्स्ट डेरीवेटिव प्लस सेकेंड डेरीवे सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ इंटू डेरीवेटिव ऑफ फर्स्ट. आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि पहले एक फंक्शन एज इट इज़ लिखेंगे, दूसरे का डेरीवेटिव, प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज़ लिखेंगे, फर्स्ट का डेरीवेटिव. चॉइस इज योर्स. आप जिसको भी पहले बाद में लिख लें, साइन बीच में प्लस है, ये भूलना नहीं है इसके बीच में साइन प्लस है, राइट? सो इट इज़ नॉट अ बिग डील. पहले इसको इस तरह से कर लें या इसको इस तरह से कर लें, किसी भी एक का डेरीवेटिव होगा, दूसरा एज इट इज़ साथ इसका डेरीवेटिव है, ये साथ ऐसे ही आ गया, प्लस ये ऐसे ही आ गया, इसका डेरिवेटिव है, एंड दे आर बीइंग एडेड. तो ये है आपका प्रोडक्ट रूल, बट यू हैव टू मेमोराइज इट लाइक दिस. जैसे मैंने अभी बोला, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स क्या होगा? एफ ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स. या आप इसको यूँ भी याद कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इंटू जी प्राइम ऑफ एक्स, जी प्राइम एक्स या जी डैश ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स. डैश का मतलब यही होता है डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव. ठीक हो क्या? अच्छा जी, लेट अस अप्लाई इट नाउ. आई हैव टेकन दिस एग्जांपल, नॉट बेसिकली दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 5. अब ये दो तरह से हो सकता है, आप इस पे ये प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप कॉमन सेंस यूज़ करें इस क्वेश्चन में, यू कैन सी दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो यू कैन सी, ओके, लेट अस से वाई इज इक्वल टू दिस थिंग. पहली बात, पहला स्टेप तो हमेशा आपका यही होगा, लेट वाई इज इक्वल टू जो आपका फंक्शन गिवन है वो. ठीक है, पहले मैं बल्कि इस पे अप्लाई करती हूँ आप लोगों का ये प्रोडक्ट रूल, और फिर मैं आपको उसका दूसरा वे भी बताऊंगी करने का. प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई करेंगे? दिस इज़, लेट्स से, माय फर्स्ट फंक्शन, दिस इज़ माय सेकंड फंक्शन. तो मैं लिखूंगी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड दैट वुड बी डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, यानी एक्स माइनस 5 मैंने एज इट इज़ लिख लिया, इंटू डेरीवेटिव ऑफ 3 माइनस एक्स प्लस, यहाँ लिख रही हूँ 3 माइनस एक्स मैंने एज इट इज़ लिख लिया, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 5. नाउ लेट अस सी व्हाट हैपन्स. अब हम डेरिवेटिव लेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स वुड बी इक्वल टू ये एज इट इज़ एक्स माइनस 5 इंटू, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है. नाउ लुक एट दिस, डी बाई डी एक्स आप अप्लाई करेंगे एक्स के ऊपर भी और माइनस एक्स के ऊपर भी. जब डी बाई डी एक्स आपने 3 के ऊपर अप्लाई किया, विच इज़ अ कॉन्स्टेंट, सो द आंसर वुड बी 0, राइट? हमने भी पीछे वीडियो में डिस्कस किया, माइनस कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है, इट इज़ ऑलवेज जीरो. माइनस, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स? 1, डिस्कस किया हमने, राइट? प्लस, नाउ लुक एट दिस, ब्रेक दीज टू थिंग्स, 3 माइनस एक्स वुड बी एज इट इज इंटू, इसका डेरिवेटिव लेंगे. एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वुड बी 1, माइनस डेरिवेटिव ऑफ 5 विद रिस्पेक्ट टू एक्स वुड बी 0. Now you have to multiply these two brackets and you have to multiply these two brackets. That would be your answer. The first two brackets, if I multiply them, ye banega minus into x minus 5. Aur second wali banegi plus 3 minus x. Dobara se isko likhein. Pehli bracket bani thi minus x minus 5. Dusri bracket bani thi plus 3 minus x, right? ओपन द ब्रैकेट्स, माइनस एक्स प्लस 5 प्लस 3 माइनस एक्स, सो माइनस एक्स माइनस एक्स, इट वुड बी माइनस 2x प्लस 5 प्लस 3, इट इज़ प्लस 8. दिस इज़ द आंसर ऑफ योर डी वाई बाई डी एक्स. अब इसी क्वेश्चन को अगर आपने प्रोडक्ट रूल लगाया तो ये ऐसे होगा. वॉट इफ़ आपका दिल कर रहा है लाइक इसको यू नो सिंप्लीफाई, दूसरे तरीके से भी इसको सिंपली आप कर सकते हो. हाउ? मल्टीप्लाई द टू ब्रैकेट्स. पहले पहले आप y को सिंप्लीफाई कर लो. कैसे करेंगे? फर्स्ट x, आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई x विद बोथ द टर्म्स इन दिस ब्रैकेट,
it would be 3x minus x square. Then I'm going to multiply 5 with both the terms of that bracket. It would be minus 15 minus minus plus 5x. इसको ज़रा सिंप्लीफाई करें, अरेंज कर लें, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 3x क्या बना, 8x माइनस 15, राइट। अब मेरा फंक्शन जो है वो ये बन गया। नाउ आई हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव, तो इट वुड बी डी वाई बाई डी एक्स। कैसे करेंगे हम, इसका डेरिवेटिव अलग से माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इसका डेरिवेटिव अलग से डी बाई डी एक्स ऑफ 8x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ, ये हमने सम और थ्योरम वाला सम और डिफरेंस वाला थ्योरम लगाया है 15 का अलग से। अब इन सब के अलग अलग से लें ज़रा, माइनस एक्स स्क्वायर का जब हम डेरिवेटिव लेंगे व्हाट वुड बी दैट, माइनस 2x, ओके लुक एट दिस वन, 8 बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x वुड बी 1 माइनस लुक एट दिस वन 15 विच इज़ अ कॉन्स्टेंट इट वुड बी 0। सो नाउ लेट्स चेक आउट आर आंसर विच इज़ माइनस 2x प्लस 8। पीछे भी यही, तब भी यही आंसर आया था और अब भी यही आंसर है। सो आप इसको दोनों तरह से यूज़ कर सकते हो, बट प्रोडक्ट रूल वॉज दिस, राइट। ओके नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बड़ी बार डिफरेंट बोर्ड्स में भी आया हुआ है और ये फेडरल में भी आ चुका है। वाई आई चूज दिस क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ योर एक्सरसाइज बाय द वे। वाई आई चूज दिस क्वेश्चन बिकॉज देखें इसमें लिखा हुआ है अंडर रेडिकल ऑफ एक्स माइनस 1 ओवर रेडिकल ऑफ एक्स होल स्क्वायर, राइट, होल स्क्वायर लिखा हुआ है। सो आई थॉट आई शुड एक्सप्लेन इट टू यू कि पहले आप अगर वाई आपका सिंप्लीफाई हो रहा है ना, जस्ट सिंप्लीफाई इट जैसे मर्जी हो आप, डेफिनेटली उसमें पावर रूल भी लग सकता था बट आपका क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता। तो बेहतर ये है कि पहले आप इसका होल स्क्वायर रिजॉल्व कर लें। कैसे, ए माइनस बी होल स्क्वायर लगा हुआ है तो आप इसको बना लें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। अब आप देखो क्वेश्चन कितना सिंप्लीफाई हो गया, कैन यू सी दिस, क्वेश्चन इतना सिंप्लीफाई हो गया। कैसे, लुक एट दिस, ये बना था आपके पास, आप x को ऐसे ही रखा आपने और सी हाउ सिंपल दिस इज़ नाउ, दिस इज़ x प्लस 1 ओवर x, कैन आई राइट इट एज x रेज टू पावर माइनस 1 माइनस 2। नाउ कितना सिंपल, दिस इज़ माई y, दिस वन, दिस होल इज़ माई y। अब इसको आप आराम से डिफ्रेंशिएट कर लें, लुक एट दिस, दिस इज़ योर y। अब आप इसको सिंपली आराम से डिफ्रेंशिएट कर लें, कैसे, इस तरह से dy वाई ओवर डी एक्स वुड बी इक्वल टू डेरीवेटिव ऑफ x प्लस डेरीवेटिव ऑफ x रेज टू पावर माइनस 1 माइनस डेरीवेटिव ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक हो गया। वट वुड बी डेरीवेटिव ऑफ x, वी ऑल नो 1, इसका भी आप सबको पता है कि पावर आएगी और पावर में से एक माइनस हो जाएगा और कॉन्स्टेंट का डेरीवेटिव वुड बी 0। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। अब इसी को हमने सिंप्लीफाई करके, पहले आप y को सिंप्लीफाई करें इफ़ इट इज़ पॉसिबल, उसको सिंप्लीफाई करने के बाद अप्लाई द डेरीवेटिव, दैट वुड बी मोर फाइन, यू नो ईजी वे टू फाइंड द डेरीवेटिव। एनीवेज वेरी इंपॉर्टेंट रूल, लेकिन वही बात कि क्वेश्चन रूल हो, पावर रूल हो, कोई भी रूल हो, उन सब में मेन आपकी बैकबोन जो है वो है, सॉरी क्वेश्चन रूल हो, प्रोडक्ट रूल हो, उन सब की जो बैकबोन है दैट इज़ पावर रूल। तो वो आपको क्लियर है तो हर रूल हो जाएगा आपका, ठीक है। अब इसको भी मेमोराइज़ करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लुक एट दिस, अगर दो फंक्शंस आपके डिवाइड हो रहे हों, जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिया है इसके लिए, अगर दो फंक्शंस आपके डिवाइड हो रहे हों लाइक दिस, न्यूमिनेटर कोई भी फंक्शन है, डिनोमिनेटर कोई भी फंक्शन है एक्स का, तो कैसे ये अप्लाई होगा, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट हियर। लुक एट दिस, आई चोज डिफरेंट कलर जानबूझ के, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का डिफरेंट कलर है। अप्लाई कैसे होगा, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स वुड बी, जी ऑफ एक्स को मैं डिनोमिनेटर बोलूँगी और एफ ऑफ एक्स को न्यूमिनेटर, राइट। सो कैसे इसको बोलेंगे, डिनोमिनेटर इनटू, अच्छा पहले तो आपने डिनोमिनेटर का स्क्वायर ले लिया, बल्कि ऐसे करते हैं इसको भी फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन ही कहते हैं, दिस एफ ऑफ एक्स इज माई फर्स्ट फंक्शन, जी ऑफ एक्स इज माई सेकंड फंक्शन। तो इसको कैसे याद करना है, सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, यानी जो आपका न्यूमिरेटर था, माइनस, इसमें माइनस है, डू नॉट फॉरगेट, फर्स्ट फंक्शन विच वॉज योर न्यूमिरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ योर डिनोमिनेटर और द सेकंड फंक्शन, और डिवाइड किससे होगा, लाजमी स्क्वायर ऑफ योर डिनोमिनेटर। दोबारा से यहाँ लिखती हूँ मैं, स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर, और न्यूमिरेटर में क्या आएगा, स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर, और न्यूमिरेटर में मेरे पास क्या आएगा, लुक एट दिस, जी ऑफ एक्स यानी डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिरेटर माइनस न्यूमिरेटर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ योर डिनोमिनेटर।
दोबारा से कैसे करेंगे, स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर पहली बात, और न्यूमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर जो टर्म थी वो एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है। उससे आपने इसको मिक्स नहीं करना प्रोडक्ट रूल से, वहाँ पे प्लस है तो वहाँ फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे आप डिनोमिनेटर का जो वेरिएबल है, जो डिनोमिनेटर का सॉरी फंक्शन है, उसको आप पहले एज इट इज़ रखेंगे और न्यूमिनेटर वाले फंक्शन का आप डेरिवेटिव लेंगे, फिर माइनस आएगा, दिस वुड बी यू नो ये वाला जो फंक्शन आपका ये एज इट इज़ आ जाएगा, और फिर आप डिनोमिनेटर वाले का डेरिवेटिव लेंगे और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का जो भी आपका फंक्शन होगा उसका स्क्वायर। लेट अस डू दिस थिंग प्रैक्टिकली ओवर हियर, ये क्वेश्चन मैंने लिखा है। पहले बात वही बात, y इक्वल्स टू a प्लस x डिवाइडेड बाय a माइनस x, ये हमने कर लिया। अब हम कैसे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, dy ओवर dx। अब देखें व्हाट इज़ इट, व्हाट इज़ माय न्यूमिनेटर दिस थिंग, व्हाट इज़ माई डिनोमिनेटर दिस थिंग। अब मैं इस पर अप्लाई करने लगी हूँ क्वेश्चन टूल। क्या है क्वेश्चन टूल, डिनोमिनेटर वाली टर्म का स्क्वायर, यानी a माइनस एक्स का मैंने स्क्वायर ले लिया, मुझे इसके लिए ज़्यादा जगह चाहिए होगी। अच्छा मैं इसको डायरेक्ट यूँ करूँगी, dy वाई ओवर डी एक्स वुड बी इक्वल टू ए माइनस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। एंड अब देखिए कैसे होगा, डिनोमिनेटर का फंक्शन एज इट इज़ इन टू डेरीवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर का फंक्शन प्लस, सॉरी इज इट प्लस, नो दिस इज माइनस, ये गलती नहीं करनी, माइनस न्यूमिनेटर का फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस डिनोमिनेटर ए माइनस एक्स। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको पता ही है ए बीइंग योर कांस्टेंट। अच्छा अब देखें ज़रा, ए माइनस एक्स इनटू इसका मुझे डेरिवेटिव फाइंड करना है, जाहिर है ए का डेरिवेटिव अलग से, एक्स का डेरिवेटिव अलग से। व्हाट वुड बी डेरिवेटिव ऑफ ए, एज ए इज़ कांस्टेंट इट वुड बी जीरो, प्लस व्हाट वुड बी डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वन, राइट, माइनस ए प्लस एक्स ये वाला एज इट इज़ इनटू व्हाट इज़ इट, ए का डेरिवेटिव जीरो माइनस वन, एक्स का डेरिवेटिव वन होल डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स, जो आपका डिनोमिनेटर था उसका स्क्वायर। फर्दर मैं यहाँ एक्सप्लेन करूँगी। ओके नाउ ए माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई वन, वट वुड बी द आंसर, ए माइनस एक्स माइनस, इसको देखते हैं, माइनस वन इंटू दिस ब्रैकेट, तो माइनस वन और ये माइनस वन क्या हो जाएगा, प्लस, इट वुड बी ए प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करें, न्यूमिनेटर माइनस एक्स प्लस, माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसल्ड आउट, ए प्लस ए, वट इज़ द आंसर, टू ए। So what is my overall answer? 2a divided by a minus x whole square. This would be your answer. I hope clear हो गया। एक दफ़ा फिर आपको apply करके सिर्फ दिखाती हूँ, बाकी आपने खुद करना है। कैसे होगा? Denominator का square और apply numerator में कैसे होगा? Denominator वाला function into derivative of first function, यानी whatever is your denominator numerator वो, minus first function as it is into derivative of your डिनोमिनेटर विच इज़ ए माइनस एक्स, क्लियर। अब बाकी आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना। ओके नाउ फर्दर मोर क्वेश्चंस, आई हैव डिसाइडेड, आई हैव टेकन चोजन दीज क्वेश्चंस, राइट। बीच में से मैंने काफ़ी जानबूझ के स्किप किए हैं, ये वाले सारे हम डिस्कस करेंगे अभी, और डिस्कस भी इसलिए करेंगे बिकॉज इनका जो हम अलग अलग से डेरिवेटिव है, आई हैव टोल्ड यू हाउ टू फाइंड दैट एक्स स्क्वायर प्लस वन, इफ़ यू रिमेंबर हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था हाउ टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, राइट। तो इसमें मैं सिर्फ अब आपको क्वेश्चन रूल अप्लाई करना ही सिखाऊंगी ज़्यादा डिटेल में, राइट। बाकी आपको मैं बता चुकी हूँ कि हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव्स, मतलब आपको बेसिकली अप्लाई करने से पहले क्वेश्चन रूल या कोई भी रूल अप्लाई करने से पहले यू शुड नो हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव्स। डू यू नो हाउ टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ योर दिस फंक्शन, डू यू नो हाउ टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, इफ़ यू डू नो तो फिर आपको क्वेश्चन रूल आना ज़रूरी है, बाकी क्वेश्चन हो जाएगा। ओके आई एम गोइंग टू अप्लाई डी वाई ओवर डी एक्स, नाउ लुक एट दिस, कैसे होगा, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री होल स्क्वायर डिनोमिनेटर का स्क्वायर हमने अभी डिस्कस किया था, सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन जो हमारा न्यूमिनेटर था, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन एज इट इज़ इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, ठीक है जी। वो तो हमारा अप्लाई हो गया। अब मैं आपको अलग अलग इनका डेरिवेटिव भी दोबारा से बता दूं, एक्स स्क्वायर प्लस वन का हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे। अच्छा एक और तरीका भी है, अगर आप इसको लिख लें एफ ऑफ एक्स, इसको लिख लें जी ऑफ एक्स, तो अप्लाई करने का क्या वे था, जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर ऑफ कोर्स, जी ऑफ एक्स एज इट इज़ इनटू एफ डैश ऑफ एक्स
माइनस एफ ऑफ एक्स एज इट इज़ इंटू जी डैश ऑफ एक्स. तो पहले आप लिख लें इधर कि व्हाट इज़ योर एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, व्हाट इज़ योर जी ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री. आप एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे क्या होगा एफ डैश ऑफ एक्स. आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करके रख लें क्या होगा वो 2x, मतलब पावर रूल लगाएंगे ना, 2 पहले आ गया x में से 2 माइनस 1 प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0. सो दिस वुड बी 2x. 2x मेरे पास किसका आंसर आ गया f डैश ऑफ x का. अब g डैश ऑफ x निकाल लेते हैं. क्या है g डैश ऑफ x, इन दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग, इट वुड बी अगेन 2x. इसका डेरिवेटिव 2x, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कैसे, बार बार बता रही हूँ पावर रूल, माइनस 3 का डेरिवेटिव वुड बी 0. सो दिस अगेन बिकेम 2x. इसका डेरिवेटिव भी 2x, इसका डेरिवेटिव भी 2x. नाउ सिंपली वी हैव टू पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला. व्हाट वाज द फॉर्मूला, जी ऑफ एक्स होल स्क्वायर एफ डैश, हाँ जी ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स एज इट इज़ इंटू जी डैश ऑफ एक्स. अब वैल्यूज पुट करें ज़रा, तो डी वाई ओवर डी एक्स क्या बनेगा मेरे पास, जी ऑफ एक्स होल स्क्वायर, क्या था जी ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये वाला इसका होल स्क्वायर. न्यूमिरेटर में चेक करें, ओके दिस वाज जी ऑफ एक्स. जी ऑफ एक्स क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एफ डैश ऑफ एक्स. क्या आंसर आया था एफ डैश ऑफ एक्स का मेरे पास, 2x माइनस एफ ऑफ एक्स एज इट इज़. व्हाट इज़ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू व्हाट इज़ जी डैश ऑफ एक्स. आपके पास क्या था, हमारे पास वो भी 2x ही था, लकीली दोनों का आंसर सेम था. ओके नाउ क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आपका वो हो गया डेरिवेटिव. अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, मल्टीप्लाई टू द टू ब्रैकेट्स. न्यूमिरेटर में क्या बन रहा है, 2x क्यूब, बल्कि हाँ ठीक है कोई मसला नहीं, माइनस 6x. आप इसे कॉमन भी 2x ले सकते थे. एनीवेज 2x क्यूब माइनस 6x, और इस ब्रैकेट को भी मल्टीप्लाई करें, इट वुड बी माइनस 2x क्यूब माइनस 2x, राइट. 2x क्यूब प्लस है और ये वाला प्लस है और ये माइनस है, ये कैंसल्ड आउट. एंड लुक एट द डिनोमिनेटर, ये एज इट इज़ आ जाएगा. न्यूमिरेटर में क्या आ रहा है मेरे पास, माइनस 6x माइनस 2x. व्हाट वुड दिस बिकम, माइनस 8x होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3 होल स्क्वायर. दिस वुड बी योर आंसर, दैट्स इट. तो ये है आपकी बाय क्वोशेंट रूल. क्योंकि क्वोशेंट है, क्योंकि न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, इसलिए वी हैव टू अप्लाई क्वोशेंट रूल. हाँ, अनटिल और अनलेस अगर आपका कोई फंक्शन इस तरह का है कि आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उसमें सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है. लेट अस से, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. पीछे चलें, मैं एक एग्जांपल देती हूँ. फॉर एग्जांपल, अगर आपको वाई गिवन है, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1. नाउ अब आप इसको देख के ये सोचो कि ओह, इस पर तो क्वोशेंट रूल लगेगा. नहीं जी, यू कैन सिंप्लीफाई इट फर्दर. कैसे, इट वुड बी एक्स स्क्वायर माइनस 1 वुड बिकम एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1. एंड लुक एट द डिनोमिनेटर, इट इज़ एक्स प्लस 1. सो ये और ये कैंसल्ड आउट. नाउ व्हाट इज़ योर वाई, एक्स माइनस 1. अब कितना आसान हो गया इसका डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा और 1 का डेरिवेटिव 0. सो 1 वुड बी योर आंसर. कितना सिंपल है. सो इसलिए फर्स्ट लुक एट द क्वेश्चन, इफ इट कैन बी सिंप्लीफाइड फर्दर डू सिंप्लीफाई इट. इफ इट्स नॉट पॉसिबल टू बी सिंप्लीफाइड, देन यू नो यू हैव टू अप्लाई द क्वेश्चन टू. अच्छा, बिल्कुल यही पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर. आई डिस्कस्ड दिस थिंग, हाउ टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ दिस थिंग, जब मैं पावर रूल समझा रही थी वहाँ पे मैंने इसको एक्सप्लेन किया था, हाउ टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ दिस. ठीक है, लुक एट द डिनोमिनेटर. आपको वही बात अगेन एंड अगेन, आपको दोनों का डेरिवेटिव फाइंड करना आना चाहिए, न्यूमिनेटर का भी डिनोमिनेटर का भी. इफ़ यू कैन डू दैट एंड इफ़ यू नो द पावर क्वेश्चन रूल, तो फिर आपके लिए कोई मसला नहीं है. ठीक है, लेट अस सी, ये मेरा है एफ ऑफ एक्स. What is f of x? x square plus 1 whole square. What is my g of x over here? x square minus 1. तो पहले आपको इनका डेरिवेटिव आना चाहिए. f डैश ऑफ x मैं यहाँ पे डायरेक्टली निकाल लूँगी. ठीक है, हम वैसे भी पीछे अच्छा खासा इसको डिस्कस करके आए थे, वहाँ से आप लोगों को समझ आ जाएगी. इट वुड बी 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x, सो दैट वुड बी 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1. ये हमारे पास आ गया f डैश ऑफ x की वैल्यू. ठीक है, ओके नाउ जी ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. व्हाट वुड दैट बी, इसका डेरिवेटिव. तो हमें पता पावर रूल लगेगा, 2x और 2 माइनस 1 मतलब 1, और 1 का डेरिवेटिव वुड बी 0. सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस, राइट. दिस इज़ द आंसर ऑफ जी एक्स, दिस इज़ द आंसर ऑफ एफ जी डैश ऑफ एक्स, एंड दिस इज़ द आंसर ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स. दोनों आंसर्स आ गए मेरे पास. ऑल यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू पुट द वैल्यूज़ इन द फॉर्मूला. ठीक है, और फॉर्मूले में पुट करें और उसको सिंप्लीफाई कर दें.
ठीक है, ये भी वही सब कुछ किया गया जो मैं अभी आपको बता रही हूँ. इफ़ यू वॉन्ट आई कैन डिस्कस इट हियर. दिस इज़ योर वाई फंक्शन. डी वाई ओवर डी एक्स क्या बना मेरे पास? डिनोमिनेटर वाला फंक्शन एज इट इज़ इंटू डेरीवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज़ डेरीवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर. और डिनोमिनेटर का स्क्वेयर इन द मतलब जो हमारी डिनोमिनेटर की टर्म थी सेकेंड फंक्शन उसका स्क्वेयर इन द डिनोमिनेटर. ठीक हो गया. अब कुछ नहीं किया, सिंपली इनका जो डेरीवेटिव आपने फाइंड किए होंगे आपने वो पुट कर लेने हैं और सिंप्लीफिकेशन कर लेनी है. माशाल्लाह यू पीपल आर इन सेकेंड ईयर नाउ, सो यू पीपल कैन डू द सिंप्लीफिकेशन योर सेल्व्स. ठीक है. सो सिंपली डू नॉट गेट कन्फ्यूज ऑफ दीज क्वेश्चन. इसमें सिर्फ सिंप्लीफिकेशन डेरीवेशन आनी चाहिए आपको एक तो, ठीक है, ऑफ ईच फंक्शन, और फिर उसके बाद वो प्रैक्टिस ही आएगी और उसके बाद सिंप्लीफिकेशन इज़ इंपॉर्टेंट. ओके, लास्ट थ्री पार्ट्स जो मैंने इस वीडियो में दिए हैं दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन सी अ डिफरेंट वंस. डिफरेंट इसलिए क्योंकि रेडिकल साइन है जो कि आप लोगों को हमेशा कन्फ्यूजिंग लगता है, बट प्लीज़ डोंट बी यू नो स्केयर्ड ऑफ दिस थिंग. ओके, लुक एट दिस नाउ. हियर व्हाट डू आई हैव? यू कैन सी रेडिकल ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई रेडिकल ऑफ 1 माइनस एक्स. अब रेडिकल को यू कैन बी राइट इट एज दिस. येस, फर्स्ट वीडियो में व्हेन आई टोल्ड यू अबाउट पावर रूल इफ़ यू रिमेंबर, वहाँ पे आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस थिंग टू यू कि इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड होगा. तो अगर इसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं तो नीचे वाले का डेरिवेटिव भी इसी तरह ही होगा. 1 माइनस एक्स होल रेज टू पावर 1 बाई टू विच इज़ योर जी ऑफ एक्स, आप उसका डेरिवेटिव फाइंड करके निकाल लें. ठीक है, क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाई टू, मैं डायरेक्ट लिख के दिखाऊँ, 1 माइनस एक्स होल रेज टू पावर मतलब होल रेज टू पावर नहीं सॉरी ऊपर आ जाएगा माइनस 1. इसकी टेक्निक में आपको इंशाल्लाह एंड होने से पहले बताऊंगी कि रेडिकल को कैसे आप डायरेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. अच्छा, एनीवेज आपने न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर दोनों के अलग अलग से डेरिवेटिव फाइंड करके रख लिए. जब आपने ये फॉर्मूला इस तरह से अप्लाई किया वहाँ पे आपने प्लेस किया, ये देखें, सेकेंड फंक्शन इंटू डेरीवेटिव ऑफ द न्यूमिरेटर माइनस न्यूमिरेटर एज इट इज़ इंटू डेरीवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का स्क्वायर. ठीक है, फर्दर कुछ नहीं है. डू नॉट गेट कन्फ्यूज प्लीज़. इस फंक्शन को ये वाले सॉरी इस स्टेप को ये सिंप्लीफिकेशन की है. सिंप्लीफिकेशन किया मैं वो भी बता दूं कैसे. जब आपके पास न्यूमिरेटर में भी फ्रैक्शन बनना शुरू हो जाए, डिनोमिनेटर ऑलरेडी लाइक यू नो एक पहले ही वो फ्रैक्शन है और न्यूमिरेटर में एक और फ्रैक्शन बनना शुरू हो गई है, देन यू शुड ऑलवेज डू दिस थिंग. आप डिनोमिनेटर को वन ओवर करके अलग कर लें और बाकी जो आपका न्यूमिरेटर जिसमें जितनी मर्जी टर्म्स हैं उसको ऐसे ब्रैकेट्स में लगा के you know you have to take definitely you'll be taking LCM upper upper in the numerator you have to take the LCM. so up LCM lene ke liye this would be the easiest way. ab aap confused nahi honge, one over 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 wali baat nahi banegi. denominator ko aapne one over karke alag kar liya, bracket sign mein aapne numerator ko acche se solve kar liya. theek hai, so this is a simple method. don't worry, yahan dekhne ki bhi balki zarurat nahi hai, khud kar lenge inshallah aap log. it is not a big deal. अगेन एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है एज योर क्वेश्चन नंबर 10. सिर्फ डिफरेंस इज यहाँ पे आपके पास 1 1 है और 11 में आपके पास a है. 1 बीइंग कांस्टेंट, a बीइंग कांस्टेंट, सो दिस इज़ नॉट अ डिफरेंट थिंग. डिफरेंस इतना नहीं है, 1 भी कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है. हाँ, ये भी डिफरेंस है, इसमें नेगेटिव ऊपर है, उसमें नेगेटिव नीचे था. एनीवेज रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन इज एग्जैक्टली द सेम. 13th अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. क्या किया आपने? हम ये डिस्कस कर चुके हैं, इस तरह का डेरिवेटिव डिस्कस कर चुके हैं. अब आपने 1 ओवर 2 1 ओवर 2 करके अलग कर लिया. सिंप्लीफिकेशन वाई में पॉसिबल है? नो, नहीं पॉसिबल, बिकॉज दिस इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल रेज टू पावर 1 बाई 2, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल रेज टू पावर 1 बाई 2. ठीक है, अगर न्यूमिरेटर में भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 या कोई ऐसी चीज़ होती जिसमें हम कुछ कॉमन ले सकते, इसको कुछ फैक्टराइज कर सकते, तो फिर तो पॉसिबल था, पॉसिबल नहीं है. ओके, नाउ दिस इज़ माय एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय दिस वन इज़ माय जी ऑफ एक्स. अब एफ डैश ऑफ एक्स भी फाइंड करेंगे हम लोग अलग से और जी डैश ऑफ एक्स भी फाइंड करेंगे हम अलग से, राइट? देखते हैं जी एफ डैश ऑफ एक्स मेरे पास क्या बनेगा. वैसे तो दिस शुड बी क्लियर बाय नाउ. एक्स स्क्वायर मतलब पावर में पहले ले आई, ये आपका एफ डैश एफ ऑफ एक्स, 1 बाई 2 बाहर ले आए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 1 बाई 2 माइनस 1, ये आपका बन गया. ठीक है, अब क्या यही आओगा? नहीं, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 यानी जो आपका अंदर फंक्शन है उसका. ठीक है, व्हाट वुड बी द आंसर? 1 बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल रेज टू द पावर 1 बाई 2 माइनस 1, क्या होता है? माइनस 1 बाई 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1. क्या डेरीवेटिव होगा इसका? 2x, 2 इंटू एक्स, 2 में से 1 माइनस हुआ तो ये 1 ही रह गया, प्लस 0. ठीक है जी, नाउ क्या आंसर मेरा बना? 2x इंटू दिस होल थिंग क्या बना? 2x डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल रेज टू द पावर माइनस 1 बाई 2.
सॉरी ये माइनस वन बाई टू था, नीचे जाके ये प्लस हो जाएगा, टू एंड टू कैंसल्ड आउट, सो एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये आपका डेरिवेटिव बना। ठीक है, इसी तरह से आप अपने जी ऑफ एक्स को भी डेरिवेटिव लेंगे, एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन वन बाई टू। लेट अस सी दिस, यहाँ इनका क्या बना, ये इन्होंने डेरिवेटिव लिया इसका, लुक एट दिस, डू नॉट गेट कन्फ्यूज, वही चीज़ इन्होंने की, इस चीज़ को यहाँ पर बाहर ले लिया। एंड हाउ डिड दिस बिकम सिंपल, दिस बिकॉज यू नो इट हैड रेडिकल साइन, और वो होल स्क्वायर और रेडिकल कैंसल आउट हो गए और ये खाली ये चीज़ रह गई, तो इसको अलग से कर लिया। अब न्यूमिरेटर को ईजी, मतलब खुली जगह है आपके पास, आराम से उसको सिंप्लीफाई करें। ठीक है, नाउ लेट्स चेक द यू नो डेरिवेटिव ऑफ दिस थिंग, जो हम देख हमने फाइंड किया था, ये इनका डेरिवेटिव है, वही एग्जैक्टली चीज़। ठीक है, इसी तरह इस टर्म का भी फाइंड किया और सिंप्लीफिकेशन की, विच इज़ नॉट अ बिग डील एट ऑल, तो इसको आराम से करिएगा। आई मेड दिस लेक्चर, आई नो बहुत लेंथी लेक्चर है सारा कुछ, आई वॉज वेटिंग एक्चुअली फॉर योर असेसमेंट्स, दैट्स वाई वी डिड समथिंग स्लो इन द प्रीवियस वीक, सो यू पीपल हैव टू डू दिस बिकॉज ऑलरेडी वी आर लेट, यू हैव टू डू दीज एज योर असाइनमेंट्स, ऑफ कोर्स टुडे इज योर लास्ट असेसमेंट टेस्ट फिजिक्स का, उसके बाद यू पीपल हैव टू डू दिस थिंग्स। ओके, कुछ क्वेश्चन बेशक मुझे आज असेसमेंट असाइनमेंट सेंड कर दीजिएगा, कुछ बेशक कल सेंड कर दीजिएगा, तो बट यू हैव टू डू दिस इंशाल्लाह आफ्टर योर असेसमेंट, मतलब टुनाइट इवनिंग में कर देंगे जो भी है। आई बी वेटिंग फॉर योर असेसमेंट असाइनमेंट्स, सॉरी, सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट स्टिल, इफ़ यू डिडंट गेट एनीथिंग प्लीज़ डू आस्क, डू ऑल द स्टेप्स, प्रॉपर स्टेप्स, एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपकी बेसिकली बेस है ऑफ चैप्टर टू, सो प्लीज़ डू इट लाइक दैट। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर टुडेज़ असेसमेंट, अल्लाह हाफिज़।